पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और भारत लाइव लगातार ये बात आपको बता रहा है कि किस तरीके से प्रशांत किशोर की जो 2-2.5 सालों की यात्रा है, उस यात्रा में प्रशांत किशोर अपना एक पार्टी बना करके वो 2 अक्टूबर को बिहार में अपनी एक बड़ी ताकत जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और 2 अक्टूबर को उनका पार्टी का लॉन्चिंग हो जाएगा। उसके पहले बिहार के तमाम जो घटक दल हैं, चाहे वो एनडीए हो या फिर एनडीए के अलावा महागठबंधन है, इन सभी दलों में प्रशांत किशोर पर भरोसा जताते हुए उनके नेता शामिल हो रहे हैं। आज भी प्रशांत किशोर की पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो शामिल हुए हैं। तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए किशोर कुमार मुन्ना हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व एमएलए हैं और प्रशांत किशोर की टीम के एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव पे। जी धन्यवाद, आपको भी। सर, प्रशांत किशोर सर 2 तारीख को एक पार्टी का लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले बीजेपी में आप लोगों ने सेंधमारी कर दी है। ये प्रशांत किशोर जी नहीं करने जा रहे हैं जी, बल्कि 1 करोड़ जो उनके स्थापना काल के जो शुरुआत किया है जी, वो सब लोग मिलके पार्टी बना रहे हैं। और ये कोई प्रशांत किशोर का पार्टी नहीं होगा जी। जिस तरह हम लोग सहयोगी रहेंगे उसी तरह प्रशांत जी भी सहयोगी और उसके सलाहकार रहेंगे। हमारे नेता हैं वो जी, और सब लोग मिलके ये पार्टी बना रहा है। बीजेपी के बी टीम के रूप में भी आप लोगों को बार बार ये कहा जाता है कि आप बीजेपी के बी टीम हैं और आपने आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शामिल भी कराया है इसमें। आप पार्टी बनने दीजिए, बीजेपी का हम बी टीम हैं या बीजेपी के सी टीम हैं वो साबित हो जाएगा। पार्टी बनने दीजिए, बीजेपी कहाँ जाएगी और राजद कहाँ जाएगा कोई ठोर ठिकाना नहीं मिलेगा। कहा जाता है कि ऑटोमेटिक आप लोग हेल्प करना चाहते हैं बीजेपी का। किसको हेल्प करना चाहते हैं? बीजेपी को। बीजेपी के लोगों को जब हम अपने पार्टी में जोड़ रहे हैं तो किसको मदद हो रहा है बता दीजिए। हम सीधे तौर से बिहार में जो डिरेल है व्यवस्था जी, उसको पटरी पर लाना चाहते हैं। आरजेडी को कमजोर करना आप लोगों का मकसद है, बीजेपी को मजबूत करना एक बड़ी जिम्मेदारी ये भी कहा जाता है। ये जो है जी, तो सिर्फ वैसे लोग जो लोग घबराए हुए लोग हैं वो लोग आरोप लगा रहे हैं। जाति का ये बंधन कैसे टूटेगा बिहार में? प्रशांत किशोर की टीम कोई एक बार टूटा है बिहार में क्या? बिहार में एक बार नहीं, आधा दर्जन से ज्यादा बार जाति का गठबंधन टूटा है। प्रशांत किशोर का 2 साल का जो पदयात्रा है वो शुद्ध यात्रा है, उसकी शुद्धता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। इसीलिए भाजपा और राजद दोनों समाप्त होंगे। जदयू का तो कोई ठिकाने नहीं है, कभी वो राजद के गाड़ी पर चढ़ जाता है, कभी भाजपा की गाड़ी पर चढ़ जाता है। अच्छा, ये बताइए कि जो मतलब अंतिम पायदान पे, पार्टी के अंतिम पायदान पे खड़े नेताओं को आप लोग शामिल कराकर क्या संदेश देना चाहते हैं? कौन अंतिम बाकी पायदान पर खड़ा है? जितने सारे नेता जो लोग जो लोग आ रहे हैं वो नेता नहीं है, वो बिहार के आम लोग हैं। उनको भाजपा में राजद में घुटन महसूस हो रहा है। कोई बड़ा नेता नहीं शामिल हो रहा है आप लोग के? अरे भाई, बड़ा नेता लागे क्या करेंगे, फिर वही व्यवस्था बनाएंगे, चोरी चमारी भ्रष्टाचार, थाना में बगैर पैसा का बगैर रिश्वत का एफआईआर नहीं, गरीब लोगों को जो लाभ मिलता है बगैर रिश्वत का लाभ नहीं। तो उस व्यवस्था को बदलने का ही नाम प्रशांत किशोर है और उस व्यवस्था को बदलना चाहता है, इसीलिए पार्टी बन रही है। इधर तो कहा जा रहा है कि कीचड़ में कमल खिल रहा है, बीजेपी बिहार में मजबूत है, फिर प्रशांत किशोर इसमें कहां आएंगे? बीजेपी खत्म हो जाएंगे, जन स्वराज पार्टी को बनने दीजिए। अच्छा, ये बताइए कि आरजेडी ने तो पहले ही प्रशांत किशोर जी को प्रशांत किशोर पांडे बताकर एक्सपोज कर दिया है, तो ऐसे में बाकी जातियां कैसे इनके साथ जुटेंगी? जन स्वराज में जाति महत्वपूर्ण नहीं है जी। प्रशांत किशोर जी को प्रशांत किशोर जी ऐसा सख्त साबित अभी राजनीति में हो रहा है जिसने जाति के राजनीति परिधि से राजनीति को निकाल लिया है। और आने वाले समय में बिहार में जो जातिवादी पार्टी है या धर्मवादी
उसके लिए ये मुद्दा नहीं रहेगा, उसे भी प्रशांत किशोर की तरह विकास की तरफ आना पड़ेगा, लेकिन उसकी विश्वसनीयता इतनी खत्म हो गई है, इतनी नीचे आ गई है कि लोग उस पर अब विश्वास करने वाले नहीं है। एक अंतिम प्रश्न है, 2 अक्टूबर को क्या बड़ा अनाउंसमेंट भी होगा? प्रशांत किशोर ने भी कहा कि 2 अक्टूबर को बड़ा अनाउंसमेंट भी करेंगे पार्टी गठन के साथ साथ। अब जान लीजिए, 2 अक्टूबर को भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक क्षण होगा जब वो पार्टी बनेगी। ये पार्टी बनाने का नहीं है, ये राज और देश बनाने का है, ये सत्ता के लिए नहीं है, लोगों के जीवन के बदलने का ये संकल्प है वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। दर्शकों, हमारे साथ किशोर मुन्ना जी जुड़े हुए थे पूर्व मेले प्रशांत किशोर की पार्टी से, और इनसे हमने बातचीत की है, कई मुद्दों पर चर्चाएं हुई हैं। ऐसी ही तमाम चर्चाएं लगातार भारत लाइव पर जारी है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये वो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।